आइए बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 7 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों इस सीरीज में हम कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग। जी हां, डाटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बने रहे मेरे वीडियो पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यूज द बार ग्राफ बिलो टू आंसर द क्वेश्चन 41 to 46। 41 से 46 तक के हमें आंसर देने हैं। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं एक बार ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है इधर, और ये स्कोर यानी मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए हैं रिजल्ट मैथमेटिक्स टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 कहलाता 41, हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर्ड अबाउ 80। 80 से ज़्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है और मैं इसका आंसर इस पेज पर देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अब 80 से ज़्यादा मार्क्स कितने लिए, आइए हम इसमें देख लेते हैं। मैंने बनाया नहीं, ये तो 80 हो गया। अब ये 85, देखो 1 2 3 4 यहाँ पर ये आया है, तो कितने स्टूडेंट लिए 80 से ज़्यादा मार्क्स। तो ये देखो यहाँ पर ये 85 जिन्होंने मार्क्स लिए वो है 5 स्टूडेंट, ठीक है बच्चों, और जिन्होंने 90 लिए हैं वो है 6 स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, 85 मार्क्स जिन स्टूडेंट ने लिए हैं वो हैं उनकी संख्या 5, और जिन्होंने 90 लिए हैं उनके नंबर हैं यहाँ पर बच्चों 6, और जिन्होंने 95 मार्क्स लिए हैं वो है बच्चों उनके नंबर हैं यहाँ पर 4। ये देखिए मैं आपको दिखाता जाता हूँ, ये 95 लिए हैं और ये नंबर है 4, तो 4 लिख लेते हैं। और जिन्होंने एक देखो 100 भी आए हैं एक बच्चे के, तो 100 मार्क्स आए हैं एक बच्चे के, तो कितने बच्चे हो गए स्टूडेंट हो गए वो, आइए काउंट कर लेते हैं। तो 6 और 5 11 11 और 4 15 और 1 16, जी हाँ वो 16 स्टूडेंट है, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो 80। अब 80 से कम मार्क्स कितने स्टूडेंट ने लिए, 80 से कम मार्क्स, देखो यहाँ पर 80 से कम ये 75 70 65 60, तो ये कितने स्टूडेंट है। अगर वैसे देखो काउंट करें तो 3 स्टूडेंट तो ये हो गई, ठीक है, 2 स्टूडेंट ये हो गए, 3 और 2 5, ठीक है 5 और 1 ये हो गया, 5 और 1 6, 6 और 2 ये हो गए जिनके 60 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, तो 8 स्टूडेंट हो गए बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आएगा वो आएगा 8, तो 8 स्टूडेंट हैं यहाँ पर, मैं ये लिख देता हूँ 8 स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 43 हम यहाँ पर करें, तो क्वेश्चन नंबर 43 देखो, व्हाट इज द रेंज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट। रेंज, अब सबसे कम मार्क्स और सबसे ज़्यादा मार्क्स, ठीक है, सबसे कम मार्क्स तो लिए कितने बच्चों ने लिए, वही तो रेंज होगा ना इसमें। अब देखो यहाँ पर अब मार्क्स का इसमें बताना है रेंज मार्क्स का, तो सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं 60, ठीक है, और सबसे हाईएस्ट मार्क्स है 100, इन दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो रेंज आ जाएगी। आइए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, तो रेंज हमें फाइंड आउट करनी है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए बच्चों यहाँ पर देखो मैक्सिमम मार्क्स आए, क्योंकि मार्क्स का निकालना है 100, इसमें से माइनस करना है लोएस्ट, लोएस्ट आए 60, और माइनस करने के बाद आ गया 40, तो 40 रेंज बनती है इसकी बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मैनी स्टूडेंट स्कोर अबाउ 70 बट लेस देन 90, यानी 70 से ऊपर और 90 से कम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 44, अब 70 से ऊपर ये देखो, 70 से ऊपर ये रहे यहाँ से काउंट करेंगे, और 90 से कम ये, ठीक है, तो इसका मतलब 70 और 90 वाला काउंट नहीं करना है। कितने हैं देखो यहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 5 ये हैं, ठीक है, 10 हो गए, 5 और 5 10, और 3 है 13 हो गई, तो 13 स्टूडेंट है बच्चों, वो कितने हैं 13 स्टूडेंट, ये आपका आंसर रहेगा। ये बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं आपके अगर एग्जाम में ये आता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45, अब 45 में देखो, इफ द पास स्कोर वाज 70, यदि 70 जो मार्क्स हैं वो पास स्कोर हैं, ठीक है, पासिंग पास होने के लिए 70 मार्क्स लेने ही पड़ेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट डिड नॉट पास, तो बताना कितने स्टूडेंट पास नहीं हुए। अब देखो ये है यहाँ पर,
अगर 70 मार्क्स आ जाते तो स्टूडेंट पास हो जाते, इसका मतलब ये जितने भी दरके हैं ये सभी पास हो चुके हैं, और इधर जिनके 65 आए हैं 60 आए हैं वो सभी क्या हो गए, फेल हो गए। तो वो कितने स्टूडेंट है, 2 ये हैं और 1 ये, 3 स्टूडेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आ गया 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स आ गया, ये फेल हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया है, ठीक है। लिखा था हाउ मेनी स्टूडेंट डिड नॉट पास, तो 3 स्टूडेंट्स डिड नॉट पास। 46, व्हाट स्कोर वाज मेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर लिए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने नंबर लिए हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमें स्टूडेंट के नंबर बताने, ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट कितने हैं कि उनके नंबर आए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये है 90, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वो हैं जिनके 90 मार्क्स आए हैं, और वो कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वो हैं जिनके मार्क्स कितने आए, 90 आए हैं। तो वो कितने स्टूडेंट हैं, 6। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें कहा गया था कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं 90, और वो नंबर हैं 60। तो उन्होंने सबने 90 मार्क्स लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। 6 ऑफ 24 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पहले टोटल स्टूडेंट लिख लेते हैं, टोटल, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट है 24, लेफ्ट हैंडेड कितने हैं ये भी लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड है 6, तो राइट हैंडेड भी लिख लेते हैं, साथ ही राइट हैंडेड भी लिख लीजिए। राइट हैंडेड है बच्चों, इसके अंदर 24 में 6 माइनस कर दो, 18 आ जाएगा, ठीक है, ये है। आगे देखो क्या लिखा है, वाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट इज राइट हैंडेड। राइट हैंडेड के हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ राइट हैंडेड। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो टोटल स्टूडेंट आएगा नीचे, और राइट हैंडेड कितने, 18, 18 आ जाएगा ऊपर। अब ये 6 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो कर दीजिए 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 3/4, ठीक है। तो 4 में से 3 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो राइट हैंडेड होंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये देखिए, तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।